फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं यूपी का लड़का। तो आज हम जाने वाले मोदी टेंपल। तो जैसे भी आपको पिछली दफ़े हमने पिछली वीडियो में सिकरी माता का मंदिर दिखाया, तो आज दिखाएंगे मोदी टेंपल। मोदी टेंपल कैसे है, मतलब कि मोदी के नाम पर है टेंपल। वो आपको बताएंगे कि कौन से मोदी के आधार पर आपके ये मोदी टेंपल पड़ा, क्योंकि मोदी टेंपल बहुत पुराना है। ये बताएंगे कि आपको किसी ने बनवाया है और मोदी नगर में है ये। आपको बताएंगे कि मोदी नगर की स्थापना कैसे हुई थी, पहले मोदी नगर का नाम क्या था, ये भी बताएंगे। और मोदी नगर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मोदी नगर एजुकेशन के नाम पर बहुत मशहूर है, शिक्षा के आधार पर। और मोदी टेंपल में जो आर्किटेक्चर है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसे डिज़ाइन किया है, और दीवारों पर इतनी सुंदर आकृति बनाई है, वो आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो पहुंच चुके हैं, बस आप सड़क पार करते हैं, चलो चलते हैं। हेलो गाइस, देख सकते हो पानी भर रहा है, बारिश बड़ी थी कल। ये आसपास फूलों की दुकान है, आप फूल ले सकते हो यहाँ से अंदर जाने के लिए। तो पानी में कोई जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं। तो ये पानी में भीग चुके हैं, देख सकते हैं। इधर पार्किंग एरिया है, यहाँ पर पार्किंग होती है गाड़ी। इधर भी यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। मोदी टेंपल में पहुँच चुके हैं, देखें कितना खूबसूरत है। ये जो मंदिर बनवाया है, ये राय बहादुर गुजर मल मोदी ने बनवाया है। ये मंदिर भी उनके नाम से ही है। ये भी कितना बड़ा है, दूर दूर तक बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये इधर पार्किंग है कार की, इधर पार्किंग, उधर जितने भी पार्किंग है। जैसे यहाँ से पहले फुहारे चलते थे, ये तो अब बंद हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। उस टाइम पर बहुत चलते थे, बहुत खूबसूरत लगते थे। ये दोनों वहीं से रास्ता है, जैसे भी है ये पार्क है। ये इतनी अच्छी आर्किटेक्ट इंजीनियरों ने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है, देखिए। अब चलते हैं आगे। ये मोदी टेंपल गाजियाबाद मोदी नगर में पड़ता है, जो कि ये मोदी नगर राय बहादुर गुजर मल मोदी के नाम पर रखा गया था। मोदी नगर पहले इसका नाम बेगमबाबाद था, ये मोदी के नाम पर रखा गया मोदी टेंपल और मोदी नगर, क्योंकि ये 1933 में शुगर मिल की स्थापना हुई थी यहाँ, मोदी फाउंडेशन की, तो मोदी ग्रुप ऑफ फाउंडेशन। ये सारी अंदर मंदिर है, भगवान भी मूर्ति है, अंदर भी दिखाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। जो बनाया वो है राय बहादुर गुजर मल मोदी। तो बहुत
अच्छा बनाया मंदिर की स्थापना की थी जब इन्होंने शिक्षा के कई कॉलेज में केदारनाथ के एन मोदी एमएम कॉलेज ये कपड़ा मिल भी शुरू करा था इन्होंने और पेपर मिल भी मशहूर होता जा रहा क्योंकि चीनी मिल थी अब कपड़ा मिल बंद हो चुका है उसमें कॉलेज खुल चुका है। और 1933 में ये चीनी मिल की स्थापना करी थी इन्होंने। तो अब आपको दिखाते हैं मोदी मंदिर का। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And I... चुके हैं हम तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। पीछे भी है मंदिर अभी ये देखिए। दूसरे मंदिर पर ये पीछे से ये ऐसा यहाँ से मैंने गेट अंदर से दिखाए थे वे ऐसे गेट दिखते हैं यहाँ से गेट निकलते हैं। और ये पीछे का सीन है ये पूरा टेंपल का ये देखिए। ये देखिए इधर से हनुमान जी के यहाँ से आए हैं हम और इधर जा रहे हैं। पंडित जी आप बता सकते हैं कि सुबेरी क्या बजे खुलता है? 5 बजे। इसमें बताइए इसमें क्या बजे खुलता है? 5 बजे। और कितने बजे बंद हो जाता है? 10:30। फिर शाम को क्या बजे खुलता है? शाम को 5 बजे और 8 बजे बंद हो जाता है। ठीक है तो आप जान गए कितने बजे खुलता है और बंद होता है।
तो उसकी वजह उस इतने ही टाइम से अपने आई। तो सवेरी 5 बजे खुल जाता है ये, तो 10:30 बजे बंद हो जाता है। अब बंद होने का टाइम हो रहा है, मैं भी जल्दी बनाता हूँ वीडियो। तो और शाम को 5 बजे खुलता है, फिर सांझ को 8 बजे बंद हो जाता है। तो जिसको भी आना है तो टाइम मैंने हमने बता दिया आपको, आप आ सकते हो, विजिट करिए, बहुत अच्छा मंदिर है। ये बंद हो रहा है, अब चलना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पीछे का पूरा व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा घूम के, जैसे भी है। देखिए पूरा मंदिर ही ऐसे दिखता है, ये देखिए। अब चलते हैं, जूते पहनते हैं। और तो हमने जूते पहन लिए, अब आगे हमने इनसे पूछा कि बंद है, कि इसलिए बंद है कोरोना की वजह से, जैसे भी है कोरोना की वजह से बंद है, तो इसीलिए आगे जा नहीं सकते। आपको ये बत्तख दिखाते हैं, ये देख लीजिए बत्तख। ये अब हम बाहर जा रहे हैं, सीटी बज चुकी है क्योंकि 10:30 हो चुके हैं। यहाँ पर प्रसाद मिलता है, ज़रूर लेना आप। चलिए पानी में कुछ चलते हैं, चलिए पानी में आना पड़ा है। जूते भीग चुके हैं, ये देखिए, ये सामने जो है चीनी मिल है, ये देखिए ग्रुप ऑफ फाउंडेशन की चीनी मिल है। ये देखिए गाइस गेट लग चुके हैं, तो बंद हो चुका है। अब जो है ये क्योंकि अब बंद हो चुका है, शाम को 5 बजे खुलेगा। तो चलते हैं, आप कमेंट में बताना कि आप अगली जगह कहाँ पर ट्रैवलिंग करवाना चाहते हैं आप, तो आप आगे वहीं करवाते हैं। चलो, ओके, जय हिंद, जय भारत।